हेलो एवरीवन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलैरिटी टॉपिक में पहली थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम है रिमान थ्योरम स्टेटमेंट है इसका इफ़ एफ जेड हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल्स टू ए फंक्शन की जेड इक्वल्स टू ए पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है यानी कि जेड का सॉरी ए का कम से कम एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जिसमें ए के अलावा फंक्शन की कोई सिंगुलैरिटी नहीं है मतलब ए के अलावा नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक है एंड मोड ऑफ एफेड इज बाउंडेड इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए ए के डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन uh, जो है वो बाउंडेड है देन ए इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी तो ये सब तो हमें एज्यूम करके चलना है कि फंक्शन की जेड इक्वल्स ट्रो ए पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है और मोड ऑफ एफ जेड बाउंडेड है ए के रिलेटेड नेबरहुड में और प्रूव ये करना है कि ए जो है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी यानी हमें ये प्रूव करना होगा कि फंक्शन का जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा उसके प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं होगी तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं लेट एफ ऑफ जेड हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट z इक्वल्स टू ए जो हमें गिवन है ठीक है अब ऐसा करते हैं हम a का डिलीटेड नेबरहुड लेते हैं ठीक है इसमें हमने क्या किया a को z इक्वल ए को सेंटर मान के क्रोनिकल डेल्टा रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया और इस पॉइंट को z इक्वल ए को एक्सक्लूड कर दिया तो ये जो बीच बीच का पोर्शन है ये रिंग शेप रीजन बन गया ठीक है इसके अंदर ये डिलीटेड नेबरहुड है ए का इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक होगा रिंग शेप रीजन में ठीक है और साथ में हमें ये भी दे रखा है गिवन है मोड ऑफ एफ बाउंडेड है तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये बाउंडेड है तो किसी नंबर से इसकी वैल्यू छोटी होगी लेस देन मोड जेड माइनस ए लेस देन क्रोनिकर डेल्टा ठीक है और फंक्शन जो है वो इस रीजन में एनालिटिक uh, भी होगा क्योंकि z इक्वल्स टू ए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी थी तो इस रीजन में फंक्शन एनालिटिक होगा एंड f ऑफ z इज एनालिटिक इन देन मोड जेड माइनस ए लेस देन क्रोनिका डेल्टा तो ऐसा करते हैं हम इसके अंदर एक कंटूर लेते हैं सी मोड जेड माइनस ए इक्वल आर और आर हमने क्रोनिकर डेल्टा से छोटी ली है ठीक है ये हमने सी कंटूर ले लिया अब फंक्शन जो है वो रिंग शेप्ड रीजन में एनालिटिक है तो फंक्शन का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन यूज़ करेंगे हम बाय uh, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल समीशन एंड टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है उसके अराउंड लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे एन इक्वल्स टू वर्ल्ड वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन ठीक है अब प्रूव हमें ये करना है कि z इक्वल्स टू ए जो है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है यानी ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ना ये नहीं होना चाहिए एक भी टर्म नहीं होनी चाहिए इसके अंदर ठीक है हियर बी एन इक्वल होता है वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन डी जेड और सी जो है वो है यहाँ पे मोड जेड माइनस ए इक्वल आर एंड आर लेस लेस देन क्रोनिकल डेल्टा था सॉरी ठीक है तो हमें प्रूव ये करना है कि बी एन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि अगर बी एन जीरो हो गया यानी कि बी वन बी टू बी थ्री सारे जीरो हो गए और ये सारे जीरो हो गए यानी कि ये टर्म्स जो है ये जीरो हो गई तो फंक्शन के लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं बचेगी तो हमें बी एन को जीरो प्रूव करना है ठीक है तो जो जीरो प्रूव करने का तरीका होता है हमारा वो हम हमेशा दोनों तरफ मोड ले लेते हैं इंटीग्रेशन में मोड ऑफ बी एन इक्वल मोड वन अपॉन टू पाई आइटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन डी जेड ठीक है अब इस मोड को इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ लेस देन इक्वल साइन आएगा वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन सी मोड ऑफ एफ जेड mod ऑफ z minus a minus n plus वन मोड ऑफ डी जेड ठीक है देखो हमें फंक्शन जो है ना वो ए के डिलीटेड नेबरहुड में बाउंडेड दे रखा था तो मोड ऑफ़ एफ जेड हमने लेस देन इक्वल कैपिटल एम एज्यूम किया था जब हमारा ये जो मोड जेड माइनस ए सॉरी मोड जेड माइनस ए जो है वो लेस देन क्रोनिकल डेल्टा था और जीरो से बड़ा था ठीक है तो इस रिंग शेप्ड रीजन में मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम लिया था हमने तो इस कंटूर ये कंटूर तो पूरा का पूरा इस रीजन में लाया करता है तो इस कंटूर के लिए भी मोड ऑफ एफ जेड जो है वो लेस देन इक्वल कैपिटल एम होगा और मोड जेड माइनस ए हमें दिख रहा है यहाँ से इक्वल आर है तो इसकी जगह कैपिटल एम आ जाएगा यहाँ पे आर आ जाएगा ठीक है तो ये वैल्यूज मैं पुट करती हूँ तो मोड ऑफ पी एन लेस देन इक्वल कैपिटल एम अपोन टू पाई आर की पावर माइनस एन प्लस वन इंटीग्रेशन सी मोड डी जेड तो मोड ऑफ बी एन लेस देन इक्वल एम अपॉन टू पाई आर की पावर माइनस एन प्लस वन ये हमें पता है ये होता है टू पाई आर तो टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया तो ये इक्वल आ रहा है एम आर की पावर एन के यानी कि मोड ऑफ बी एन जो है वो लेस देन इक्वल है एम आर की पावर एन के ठीक है देखो ये हमारा जेड इक्वल्स टू ए पॉइंट था और ये सपोज कंटूर था सी मोड जेड माइनस ए इक्वल आर ठीक है तो सिंगुलैरिटी जो है वो ए पॉइंट पर है तो हमें uh, ये प्रूव करना है कि जेड टेंड्स टू ए पे uh, जो जेड इक्वल्स टू ए के लिए जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है उसके प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं होगी यानी कि हमें लिमिट जेड टेंड्स टू a लेनी है तो अगर हम यहाँ पे इफ uh, z टेंड्स टू ए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आर जो है वो टेंड्स टू ज़ीरो होगा तभी तो जेड टेंड्स टू a बनेगा ना आर टेंड्स टू ज़ीरो तो जब आर टेंड्स टू ज़ीरो लेंगे तो ये आर की पावर एन जो है वो ज़ीरो बन जाएगा यानी कि हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ बी एन लेस देन इक्वल जीरो या फिर कह लो बी एन बराबर ज़ीरो ठीक है तो बी एन बराबर ज़ीरो आ गया और ये हमने एन की सारी वैल्यूज के लिए किया है तो एन इक्वल वन टू अप टू इन्फिनिटी यानी कि फंक्शन का जो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन था उसमें प्रिंसिपल पार्ट वाला टर्म जो है वो जीरो हो गया तो ये बन गया एन टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी ठीक है जेड माइनस ए की पावर एन इट एम्प्लाइज एफ ऑफ जेड हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल्स टू ए फंक्शन की जो जेड इक्वल्स टू ए पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी दे रखी थी तो वो आइसोलेटलेटेड के जो आगे तीन पार्ट है उनमें से रिमूवेबल बनेगी यानि कि अगर फंक्शन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के डिलीटेड नेबरहुड में बाउंडेड होता है या फिर कह लो फंक्शन का मोडुलस बाउंडेड होता है तो वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जो है वो रिमूवेबल होती है तो ये एक और तरीका हो गया चेक करने का कि सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड जो है वो किस टाइप की है तो ये रिमांड थ्योरम नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जेड इक्वल्स टू ए टू बी अ पोल ऑफ अ फंक्शन एफ जेड इज़ दैट मोड ऑफ एफ टेंड्स टू इनफिनिटी टेंड्स टू ए इन एनी मैनर देखो अगेन ये थ्योरम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की ही है और पिछले थियोरम में रिमान में हमने आइसोलेटेड रिमूवेबल कब होगी ये देखा था ये जो थ्योरम है ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के पोल होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है मतलब सेट इक्वल्स टू ए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी गिवन है अब हमें प्रूव ये करना है कि पोल होने के लिए नेसेसरी और सफिशियंट ये कंडीशन होगी मोड ऑफ एफसेट टेंस टू इन्फिनी एज जेड टेंस टू ए इन एनी मैनर यानी कि हमें क्या करना है सिंगुलैरिटी जेड इक्वल्स टू ए को एक बार तो पोल मानकर चलना है और ये कंडीशन प्रूव करनी है कि जब जेड ए को अप्रोच करेगा मोड ऑफ एफसेड इन्फाइनइट को अप्रोच करेगा और दूसरी बार हमें ये कंडीशन मान के चलनी है मोड ऑफ एफसेट इन्फाइन को अप्रोच कर रहा है जब जेड ए को अप्रोच कर रहा है और प्रूव ये करना है कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पोल होगी तो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ ठीक है हमें आइसोलेटेड तो लेके चलना है लेट जेड इक्वल्स टू ए बी एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन एफ जेड ठीक है सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड लेके चलनी है अब हम पहले पार्ट में इसे पोल मान के चल रहे हैं और हमने पोल जब डिफाइन किया था तो हमने देखा था कि पोल का कोई ना कोई ऑर्डर भी होता है लेट z इक्वल्स टू ए इज अ पोल ऑफ ऑर्डर सॉरी एम अलग लिख रही हूँ ऑर्डर एम हमने इसको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को पोल मान लिया और पोल का ऑर्डर एम अज्यूम कर लिया अब पोल का ऑर्डर अगर एम है इसका मतलब अगर हम फंक्शन का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसके प्रिंसिपल पार्ट में एम टर्म्स होंगी हेंस एफ ऑफ जेड इसका जो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है वो बनेगा एन टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस जो प्रिंसिपल पार्ट है वो होगा एन टेकिंग वैल्यूज वन टू एम बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन या फिर ऐसे कह लो इसको तो एज इट इज़ लिख दो एन एक टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन ये बनेगा बी वन अपोन जेड माइनस ए बी टू अपोन जेड माइनस ए सो ऑन बी एम अपोन z माइनस एक की पावर m अच्छा यहाँ पे कंडीशन ये होगी बी एम नोट इक्वल्स टू जीरो क्योंकि अगर बी एम ज़ीरो हो गया तो ये वाली टर्म हट जाएगी तो पोल का ऑर्डर कम हो जाएगा ना तो हम पोल का ऑर्डर m एज्यूम करके चल रहे हैं तो बी एम नोट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए ठीक है अब ऐसा करते हैं f ऑफ z इक्वल ये जो टर्म्स हैं ना इनमें हम z माइनस एक की पावर m माइनस एम सॉरी या फिर वन अपोन ये कॉमन ले, ले लेते हैं वन अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम कॉमन ले लेते हैं तो समीशन एंड टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर यहाँ हो जाएगी एम प्लस एन बी वन इसके साथ हो जाएगी जेड माइनस ए की पावर एम माइनस वन ठीक है यहाँ पे बी टू के साथ हो जाएगी जेड माइनस ए की पावर एम माइनस टू सो ऑन और लास्ट में बचेगा बी एम ठीक है अब ऐसा करते हैं हम वन अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम एफ ऑफ जेड इक्वल इस फंक्शन को फाइ जेड अज्यूम कर लेते हैं ठीक है एंड ऑफकोर्स फाइ जेड इक्वल है समीशन एंड टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एम प्लस एन बी वन जेड माइनस ए की पावर एम माइनस वन बी टू जेड माइनस ए की पावर एम माइनस टू सो ऑन अप टू बी एम सॉरी तो ये हमारा एफ ऑफ जेड जो है इस तरह से आ गया फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम हमें प्रूव ये करना है कि मोड ऑफ एफ जेड अप्रोच करता है इनफाइनाइट को जैसे जैसे जेड ए को अप्रोच करता है तो अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं जेड टेंस टू ए तो z टेंड्स टू a रखने से ये देखो वन अपॉन ज़ीरो बनेगा जो कि इनफाइनाइट होता है अगर ये नॉन ज़ीरो हो जाए तो क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है तब तो ये वन अपॉन इन्फाइनाइट यानी कि ज़ीरो जीरो मल्टीप्लाई जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती है तो हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ प्रूव करनी है कि जब लिमिट z टेंड्स टू a है ना तो फाइ जेड जो है वो नॉन ज़ीरो है तो अगर ये नॉन ज़ीरो होगा तो यानी नॉन ज़ीरो नंबर अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना है तो ये जो हमारा फाइ जेड है इसमें अगर हम लिमिट लगाएं जेड टेंड्स टू ए तो देखो ये ज़ीरो हो जाएगा जेड की जगह ये रखने से ये फैक्टर ये फैक्टर सारे ज़ीरो हो जाएंगे बी एम बचेगा और बी एम हम मान के चल रहे नॉन ज़ीरो है ठीक है थीके? इसका मतलब जैसे ही यहाँ पे लिमिट लगाएंगे दोनों तरफ ये तो बनेगा बी एम और ये आएगा बी एम अपोन ज़ीरो यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा और यही हमें प्रूव करना है तो लिमिट

Z a को अप्रोच करता है अच्छा जब फंक्शन इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो उसका मोड्यूलस भी इनफाइनाइट को ही अप्रोच करेगा यानी कि मोड ऑफ एफ टेंस टू इन्फिनिटी एज जेड टेंस टू ए तो हमने एक पार्ट तो प्रूव कर दिया यानी कि अगर z इक्वल्स टू ए किसी फंक्शन के लिए पोल है किसी भी ऑर्डर का तो फंक्शन का मोड्यूलस जो है वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा जैसे जैसे z ए को अप्रोच करेगा अब इसका कन्वर्स कन्वर्स में हम सिंगुलैरिटी z इक्वल्स टू ए आइसोलेटेड तो लेकर ही चल रहे थे लिख देती हूँ मैं z इक्वल्स टू ए इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड ठीक है हमें ना प्रूव ये करना है आ, कि z इक्वल्स टू ए ना एक पोल होगा ठीक है और कंडीशन ये एज्यूम करके चलनी है एफ ऑफ जेड टेंस टू इनफिनिटी एज जेड टेंस टू ए ठीक है अच्छा ऐसा करते हैं हम मानते हैं इसका कंट्राडिक्शन लेट मोड ऑफ एफेड नोट टेंस टू इन्फिनिटी एज जेड टेंस टू ए ठीक है हमने ये मान लिया कि मोड ऑफ एफ एफसेट इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं कर रहा जैसे जैसे जेड ए को अप्रोच कर रहा है ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू वो या तो फाइनाइट नंबर होगा क्योंकि इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं कर रहा या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ठीक है अच्छा इस चीज़ को अब मोड्यूलस अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करे इसका मतलब फंक्शन भी इनफाइनाइट को ही अप्रोच कर रहा है नोट अप्रोचेज टू इन्फिनेटी सॉरी अगर मॉड्यूलस इन्फाइनाइट को अप्रोच नहीं कर रहा तो फंक्शन भी इन्फाइनाइट को अप्रोच नहीं करेगा ठीक है तो इट इम्प्लाइज इधर एफ ऑफ जेड टेंस टू फाइनाइट वैल्यू और एफ ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट एज जेड टेंस टू ए अगर इनफाइनाइट नहीं है z टेंड्स टू a पे फंक्शन की लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं करती इसका मतलब या तो फंक्शन की लिमिट फाइनाइट होगी या फिर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो अगर फंक्शन की लिमिट फाइनाइट होती है तो उस सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा था आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी रिमूवेबल बन जाती है और अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट uh, नहीं करती तो हमने ये पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जो है वो असेंशियल uh, बन जाएगी ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोड ऑफ एफजेड नोट टेंस टू इन्फिनिटी है तो सिंगुलैरिटी या तो रिमूवेबल है या तो असेंशियल है तो अगर हमें सिंगुलैरिटी पोल बनानी है तो लिमिट क्या होगी मोड ऑफ एफजेड टेंस टू इन्फिनिटी टेंड्स टू ए क्योंकि आइसोलेटेड के तीन टाइप होते हैं दो तो इसमें आ गए जब मोड ऑफ एफजेड इन्फाइनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा तो बचा क्या पोल पोल का आएगा जब मोड ऑफ एफसेट इन्फेनाइट को अप्रोच करेगा जब इन्फेनाइट को अप्रोच नहीं करता तो फाइनाइट वैल्यू आती है या तो या फिर एग्जिस्ट नहीं करता यानी कि इधर z इक्वल्स टू ए इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी और z इक्वल्स टू ए इज एसेंशियल सिंगुलरिटी ठीक हैिटी एज सेड टेंस टू ए यही हमें प्रूव करना था यानी कि अब पोल प्रूव करने का तीसरा तरीका हमारे साथ क्या हमारे पास क्या हो गया अगर सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड है और हमें ये प्रूव करना है कि वो पोल है तो अगर फंक्शन का मोड्युलस लिमिटिंग uh, limit, की लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट आती है जैसे जैसे जेड उस आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को अप्रोच करता है तो वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पोल हो जाएगी तो इन दोनों थ्योरम्स में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू